हेलो गाइस, तो आज हम वेंचर फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में गाइस, लास्ट पार्ट में मेरे को ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, सॉरी अगर आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए होगे। तो पता ही नहीं मैं क्यों उस फैन फिक्शन में ही चली गई, और मेरे को जैसे वो एक रियल लगा। और गाइस, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, बट मुझे वैसे ही अपने शादी के दिन याद आ गए उस दौरान, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मना कर रही थी अपने पेरेंट्स को, बट मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई, तो इस वजह से मेरे दिल में अभी तक वो दुख है और मैं अभी तक उस दुख को बुला नहीं पाई हूँ। खैर छोड़ो इन सब बातों को, चलो मैं फैन फिक्शन शुरू करती हूँ। लास्ट बार में हमने देखा था कि लेविन ने जहर खा लिया और वो समझ रहा था कि शाइना की और लेंजन की शादी हो जाएगी और मैं नहीं देख पाऊँगा, जबकि ऐसा तो होना नहीं था, क्योंकि लेंजन इंतज़ार कर रहा था कि विन शादी करेगा तो मैं ये नाटक बंद कर दूंगा। बट विन की शादी से पहले ही एक लेटर आया। अब हम उस लेटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले आप लोग को ये बता दें कि वो लेटर किस चीज़ का था। एक बहुत बड़ी कंपनी में CEO के जॉब के लिए लेंजन, जो इतने दिनों से मेहनत कर रहा था ताकि ये जॉब मुझे मिल जाए। अब वो क्यों ये जॉब कर रहा था जबकि उसके फादर की अपनी एक कंपनी है और अपना एक ऑफिस है। लेंजन के फादर की कंपनी में लेंजन जॉब नहीं करना चाहता था। लेंजन अपने बलबूते पे कुछ करके वो विन को पाकर, और बस वो चाहता था कि मैं विन को लेकर कहीं दूर चला जाऊं और मैं अपने, मतलब मैं ही विन को संभालूं और विन की हर ख्वाहिश मैं ही पूरी करूं, और बस मेरे और विन के बीच में फिर कोई भी ना आए। अब लेंजन इस बात पर इस काम के लिए और ऐसे करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि मुझे ये जॉब मिल गई तो मुझे एक फ्लैट भी मिलेगा और बाकायदा एक कार मिलेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी जॉब थी और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी थी। तो लेंजन बस यही प्रे करता था कि मुझे ये जॉब मिल जाए तो बस मैं और विन फिर दूर चले जाएंगे और हमें कोई भी नहीं होगा मना करने वाला। तो ऐसे लेंजन की सोच थी, बट जब विन ने जहर खा लिया और विन लेंजन की गोद में गिर गया, तो लेंजन और विन ने अपनी आँखें बंद कर दी और लेंजन ने जब विन को हक कर लिया, तो अब उसी में हमारी स्टोरी बंद हो जाती है। और अब हमें एक साल बाद का सीन दिखाते हैं। लेंजन उठता है, तैयार होता है, बहुत अवसर होता है, और वो नीचे आता है तैयार होकर, ब्रेकफास्ट करता है और मम्मा को बोलता है, मम्मा आज तक अपसेट ही हो, क्यों मम्मा? बस करो मम्मा, आपको देखकर मैं भी नहीं मुड़ा हूँ। अगर आप खुश रहोगी तो मैं आपको देखूँगा तो मैं भी खुश रह पाऊँगा। मम्मा बोलती है, लेंजन क्या ये भूलने की बात है? क्या तुम भूल पाए हो? कोई नहीं भूल पाया है। लेंजन बहुत अपसेट था और वो जॉब के लिए जा रहा था, ऑफिस में जा रहा था, तो वो डेली जाता था कब्रिस्तान, उसका ये काम था। ऑफिस जाने से पहले वो एक दफ़ा ज़रूर जाता था उसी कब्रिस्तान में, और वो जाता था और फिर हमें दिखाते हैं कि वो कब्र के आगे खड़ा है और उसके आगे एक कब्र है और वो उस कब्र के ऊपर एक फ्लावर रख रहा है और बोल रहा है, आई मिस यू, आई रियली रियली मिस यू, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। अब लेंजन बोलते हैं, बहुत याद आते हो, पहले कदर नहीं हुई, अब कदर हो गई है, तो आप छोड़ के चले गए, जब कदर हुई तो छोड़ के चले गई, जब कदर नहीं थी तो मेरे पास थे। और रो रहा होता है और बोलता है, आई मिस यू, आई रियली रियली मिस यू, मुझे हर वक्त याद आता हो, आते हो तुम, काश उस दिन ऐसा कुछ होता ही नहीं, काश बचपन में मैंने ऐसी कोई गलती ही नहीं की होती, आज तुम जिंदा होते, आज मम्मा अफसर नहीं होती, हम सब खुश होते, कितना बुरा किया मैंने, हमारी बचपन की एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं अभी तक नहीं मुड़ पाया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ अपनी उस गलती पर, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और वो रो रहा होता है और फिर वहाँ पर कोई आ जाता है जो कब्रें साफ़ करता है, वो सर्वेंट आ जाता है, तो लेंजन अपनी आँखों को साफ़ करता है और ऑफ़िस के लिए जाता है। ऑफिस में काम करता है और बहुत अपसेट होता है क्योंकि उसको याद आता है। और फिर लेंजन के एक सेक्रेटरी आता है और बोलता है, सर
आपको एयरपोर्ट जाना है, आपको याद है ना, या आपको बॉस को लाना है? तो लेंजन बोलता है हाँ मुझे याद है। और फिर लेंजन एयरपोर्ट जाता है, और एयरपोर्ट जाता है और काफ़ी वेट करता है, और फ्लाइट तो कब से आ गई होती है, और लेंजन टेंशन में होता है कि अभी तक नहीं आया। फिर लेंजन वॉशरूम जाता है, तो वह जब वॉशरूम जाता है तो अचानक से कोई उसको पकड़ लेता है, और लेंजन डर जाता है, और लेंजन देखता है कि किसने मुझे पकड़ा है। तो जिसने उसको पकड़ा होता है वो उसको अचानक से किस करने लग जाते हैं। लेंजन जो उसको दूर हटाता है, बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो पर्सन बोलता है तुमसे प्यार। तो लेंजन गुस्सा हो जाता है और फिर मुस्कुराता है, बोलता है तुम इडियट ही रहोगे, तुम कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। और फिर विन बोलता है इतना इंतज़ार किया मैंने और तुम एक किस भी नहीं दे सकते हो, तुम बिल्कुल इडियट हो। तो विन से बोलता है किस? हाँ तुम एक दफ़ा घर चलो, तुम्हें मैं सब कुछ सिखाता हूँ कि मैं तुम्हें क्या क्या कर सकता हूँ। तो विन बोलता है अच्छा। तो लेंजन बोलता है तुम एक दफ़ा चलो तो सही, बहुत दिन हो गए तुम गायब थे, फिर आने का तुम नाम ही नहीं ले रहे थे, क्यों इतने खुश हो गए थे वहाँ पर? नहीं वहाँ पर तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं मिली? विन बोलता है गर्लफ्रेंड तो बहुत मिली, बट तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। लेंजन स्माइल करता है और बोलता है हाँ तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, चलो भी अभी। और फिर विन बोलता है मम्मा कैसी है? तो लेंजन बोलता है अपसेट है, बहुत ज़्यादा याद कर रही है पापा को। तो विन थोड़ा सीरियस हो जाता है, तो लेंजन बोलता है प्लीज़ अब तुम रोने नहीं लग जाना। तो विन बोलता है मुझे रोने दो। और फिर लेंजन बोलता है विन रोने लग जाता है, और लेंजन उसको बोलता है अच्छा 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 बस 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 रोना बंद करो, और अब हम घर जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना मूड अच्छा रखना ताकि मदर का मूड अच्छा हो, ओके? और फिर विन बोलता है ओके। तो जैसे जा रहे होते हैं लेंजन बोलता है चलो तुम्हें मैं डिनर कराता हूँ। विन बोलता है नहीं घर पे करेंगे। फिर लेंजन बोलता है विन बोलता है नहीं नहीं मैं पहले मम्मा को देखना चाहता हूँ, प्लीज़ पहले मम्मा को मम्मा के पास मुझे ले जाओ। तो लेंजन बोलता है ओके ओके उधर भी ले जाऊँगा। और फिर चलते ये लोग जाते हैं घर पर, घर पर विन जाता है भागते हुए और बोलता है मम्मा मम्मा मैं आ गया हूँ। तो मम्मा खुश हो जाती है, और फिर विन भागते हुए जाता है मम्मा को हक कर लेता है और बोलता है मम्मा आप ठीक हो ना? तो मम्मा बोलती है हाँ ठीक हो, तुम कैसे हो? तो विन बोलता है मैं भी ठीक हूँ मम्मा। तो फिर मम्मा बोलती है तुमने काफ़ी दिन लगा दिए ये क्यों? तो विन बोलता है मम्मा काम बहुत था तो क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर मम्मा बोलती है विन तुम्हारी स्टडी भी चल रही है और तुम ये ऑफिस की वजह से बाहर भी जा रहे हो, तुम इसे इतनी टेंशन अपने यहाँ पर क्यों ला रहे हो? तो विन बोलता है मम्मा अब आगे हमें ही चलाना है ना, और वैसे भी मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, स्टडी के साथ साथ मैं मैनेज कर लूँगा और मुझे अच्छा लगता है। और फिर मम्मा बोलती है कि तुमने लेंजन को भी जाने नहीं दिया, वो तो तुम्हारे साथ चला जाता तो तुम्हें कंपनी मिलती, तुम खुश होते। तो विन बोलते हैं मम्मा मुझे तुम्हारी फिक्र थी ना, आपको इस तरह अकेले तो नहीं छोड़ सकता था मैं, और ऐसे भी आपको पता है कि लेंजन को मैं बहुत मुश्किल से छोड़ता हूँ। तो फिर लेंजन विन को देखता है और बोलता है विन मम्मा है। तो फिर विन बोलता है तो मम्मा को सब कुछ पता है? और फिर मम्मा बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम लेंजन को बहुत मुश्किल से किसी को देते हो। और फिर मम्मा स्माइल करती है, और फिर ये लोग बैठते हैं डिनर करते हैं, और विन जो पूरी कोशिश करता है मम्मा का मूड सही करने के लिए, उसके साथ हर बात करता है, मजाक करता है। और फिर विन बोलता है मम्मा मैं जाता हूँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो मम्मा बोलती है हाँ जाओ रेस्ट कर लो। और फिर लेंजन और मम्मा लिविंग रूम में बैठे रहते हैं, और विन रूम में जाता है तो लेंजन विन को ही देख रहा होता है, और विन लेंजन को इशारा करता है कि रूम में आओ। और फिर लेंजन बोलता है इशारा करता है कि नहीं मैं बाद में आऊँगा। तो विन बोलता है अभी के अभी आओ, और वो इशारा करता है, और विन मम्मा के पीछे खड़ा होता है, तो मम्मा को विन नहीं दिखता है। तो लेंजन इशारा करता है, बट वो मम्मा जब नहीं देखती है तभी लेंजन इशारा करता है। तो विन बोलता है रूम में आओ, लेंजन बोलता है अभी नहीं बाद में आऊँगा, पहले मम्मा के साथ में बैठूँगा। तो विन बोलता है अभी के अभी आओ, नहीं तो मैं तुम्हें हाथों से पकड़ के ले जाऊँगा। तो लेंजन बोलता है विन मम्मा के सामने तुम ऐसा करोगे? तो विन बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ऐसा ये लोग इशारा करते हैं। और फिर लेंजन उधर विन आ रहा होता है लेंजन का हाथ पकड़ने के लिए, तो लेंजन बोलता है ओके 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 मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। तो विन स्माइल करता है ड्राइवर से और बोलता है अभी के अभी आओ। तो लेंजन बोलता है हाँ हाँ तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। और फिर विन जब तक नहीं गया होता है वो खड़ा होता है गुस्से से, बोलता है अभी के अभी आओ। लेंजन बोलते हैं मम्मा आप थक गई होगी, आप जाओ आराम करो। तो मम्मा बोलती है हाँ मैं भी जाती हूँ आराम करती हूँ, और तुम भी जाओ आराम करो, क्योंकि तुम्हें कब से विन बुला रहा है,
तो विन शौक में हो जाता है और लेन देन भी शौक में हो जाता है। और फिर मम्मा फिर सोचाती है और लेन देन को देखती है और स्माइल करती है, बोलती है लेन देन। और फिर खड़ी हो जाती है और पीछे विन की तरफ फेस करती है, बोलती है विन। तो विन बिल्कुल शौक में हो जाता है और वो बोलता है ये क्या हो गया, मैं तो मम्मा से चुपके कर रहा था, मम्मा को कैसे पता चल गया। तो विन बोलता है नो। और फिर विन अपना फेस छुपाते छुपाते रूम की तरफ जा रहा है और लेन देन जो अपने आप को इग्नोर कर देता है और वो सीटी बजाते बजाते दूसरी तरफ जा रहा है। और फिर ये दोनों जब मम्मा को फेस नहीं दिखा पा रहे होते हैं क्योंकि इनका बुरा फील होता है, तो मम्मा स्माइल करती है और बोलती है दोनों दोनों के दोनों इडियट हो, जाओ अपने रूम में सो जाओ, और ऐसे बोल देती है। और फिर मम्मा हंस रही होती है क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं और इनको बहुत अजीब सा लगता है। और भागते हुए जाता है रूम में और विन भी फिर जाता है उसी रूम में और ये दोनों हंस रहे होते हैं। अब लेंदर बोलता है विन तुम्हें मैंने बोला भी कि तुम जाओ, देखो मम्मा के सामने तुमने हमारी इंसल्ट करा दी। विन बोलता है इंसल्ट की क्या बात, अब उनको तो सब कुछ पता है, आखिर हमारी शादी जो हो गई है। लेन देन बोलते हैं हाँ याद है मुझे हमारी शादी हो गई है, पर ऐसे भी नहीं ना कि अब तुम किसी और को टाइम ही नहीं दो। तो विन बोलता है लेन देन मैं इतने दिन हो गए हूँ, इतने दिनों बाद आया हूँ मैं। विन लेन देन बोलता है विन तुम सिर्फ एक ही हफ्ता नहीं थे। तो विन बोलता है एक हफ्ता मतलब 7 दिन में नहीं था घर में, अब तुम्हें इन दिनों मेरी याद नहीं आई। लेन देन सोच रहा है और वो बोलता है याद तो बहुत आई। तो फिर विन बोलता है तो फिर तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। और फिर विन लेन देन के करीब जा रहा है, लेन देन पीछे की तरफ जा रहा है। लेन देन बोलता है विन 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 मेरी बात सुनो। और विन बोलते हैं हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो फिर विन लेन देन बोलता है विन देखो तुम पहले फ्रेश हो जाओ। तो विन बोलता है नहीं मेरा मूड नहीं है फ्रेश होने का, एक साथ ही फ्रेश होंगे। और फिर लेन देन फिर विन लेन देन को पुश करता है दीवार की तरफ और लेन देन विन लेन देन की बॉडी की स्मेल मतलब सेंट को सूंघता है, सिर्फ बॉडी को सूंघता है, बोलता है कितना मिस किया मैंने इस स्मेल को, मैंने कितना मिस किया तुम्हें याद है। तो लेंजन बोलते हैं हाँ याद है मुझे। और फिर विन लेंजन की बॉडी को स्मेल करता है और उसकी बॉडी जो शर्ट जैकेट है जो कि उसने 3-piece suit पहना था, तो उसकी ब्लैक जैकेट हटा रहा होता है। बोलता है लेंजन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लेंजन बोलता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। विन किस के दौरान ही लेंजन की ऊपर वाली जैकेट उतार देता है और फेंक देता है और लेन देन विन की जैकेट उतार देता है। और फिर विन लेन देन की शर्ट के बटन खोल रहा होता है और विन और लेन देन विन की बेल्ट खोल रहा होता है। और फिर लेन विन इसी तरह दोनों एक दूसरे किस कर रहे होते हैं। विन लेन देन की बेल्ट खोल देता है और उसकी बेल्ट हटा देता है उसकी पैंट से। और फिर लेन देन विन की शर्ट के बटन खोल रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे किस भी कर रहे होते हैं और बेल्ट की तरफ पुश भी कर रहे होते हैं एक दूसरे को। और फिर ये दोनों एक दूसरे की शर्ट भी हटा देते हैं और एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं मतलब बेड पर आ जाते हैं। और लेन देन जो विन को बेड पर लिटा देता है और विन की पैंट को हटा देता है और अपने भी पैंट हटा देता है। अब ये दोनों बगैर कपड़ों के होते हैं और दोनों ने कपड़े नहीं पहने होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बेड पर रोल होते हैं, किस करते हैं रोल होते हैं। इन दोनों को इतना जोश चढ़ गया होता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर लेन देन विन को लिप पर किस करना छोड़ देता है और उसकी नेक पर लिक करता है, सक करता है, बहुत ज़्यादा सक करता है। सक करते करते विन लेन देन विन की पूरी बॉडी को लिक करता है और उसके चेस्ट पर आ जाता है और उसके चेस्ट पर सक करता है। कभी एक चेस्ट पर सक करता है बाइट करता है तो कभी दूसरे से एक चेस्ट पर सक करता है बाइट करता है। और विन जो अपना कंट्रोल खो रहा होता है वो सेक्सी आवाज़ें निकालता है। और फिर लेन देन विन के साथ लव मेक करना शुरू कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा लिक करता है, सक करता है, क्योंकि लेन देन ने विन को बहुत मिस किया होता है। इन दोनों को बहुत ज़्यादा जोर चढ़ जाता है और विन जो अपना कंट्रोल भी को खो देता है। फिर लेन देन जो अपना कंट्रोल खो देता है उसका भी मूड हो जाता है इंटीमेट होने का। तो अब लेन देन एक सेकेंड भी सबर नहीं करता है और विन की टांगों को एक दूसरे से अलग करता है और शोल्डर पर रखता है और विन के साथ इंटीमेट होता है। और विन इंटीमेट होने के दौरान एक सेक्सी सी आवाज़ निकालता है और लेन देन जो आवाज़ को सुनते ही पागल हो जाता है और वो विन को बहुत ज़्यादा लिप पर किस करता है। और लेन देन विन की टंग को सक करता है और विन भी लेन देन की टंग को सक करता है और ये लोग इसी तरह एक दूसरे किस करते हैं। और फिर लेन देन विन को बहुत फास्टली इंटीमेट होता है, बहुत ज़्यादा। फिर लेन देन विन को किस करना छोड़ देता है, उसकी पूरी नेक पर किस करता है, सक करता है और उसके साथ इंटीमेट भी हो रहा होता है बहुत फास्टली, क्योंकि लेन देन को पता है कि विन फास्ट में ही खुश होता है। तो वो बहुत ज़्यादा फासले करता है और विन जो बहुत स्माइल करता है उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। और विन इंटीमेट मतलब लेन देन इंटीमेट होने के दौरान ही विन लेन देन को बोलता है
लेंसन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें नहीं पता कि ये एक हफ्ता कैसे गुजरा है। वो भी लेंसन बोलता है, मुझे पता है लेंसन, क्योंकि मुझ पर कैसे गुजरी वो भी तुम्हें नहीं पता, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। और फिर लेंसन उनके साथ सेटिस्फाई हो जाता है और उसको बहुत टाइटली हक कर लेता है। और विन जो बहुत विन जो एक चीख मारता है और वो चीख मारने के दौरान वो हंस भी रहा होता है और एक आवाज़ भी निकालता है, क्योंकि लेंसन उस पर सेटिस्फाई हो रहा था। और विन भी सेटिस्फाई हो जाता है लेंसन की टमी के ऊपर, और ये दोनों एक टाइम पर ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। और विन हंस रहा होता है क्योंकि जब वो सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो जब भी सेटिस्फाई होता है उसको वो हंसता ही है, और उसकी हंसी को देखकर लेंसन भी हंस रहा होता है। और ये दोनों हंसते ही हंसते सेटिस्फाई होते हैं जैसे कि लोग बचपन में होते थे। और विन लेंसन को बहुत टाइटली हग करके किस करता है और बोलता है, थैंक गॉड जो तुम मुझे मिल गए, मैं बहुत लकी हूँ, थैंक गॉड। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं गाइस, अब इस फ्लैशबैक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैं यही कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सही से समझा सकूँ। ऑलराइट, तो चलो फ्लैशबैक शुरू करते हैं। हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि विन जब जहर खा लेता है और लेंसन की गोद में गिर जाता है, और लेंसन जो अचानक से विन को उठा लेता है और गाड़ी में बिठा लेता है। अब वो गाड़ी में बिठा रहा था तो उसके मामा और पापा उसके पीछे ही होते हैं, और जैसे ही लेंसन जो अकेला ही विन को गाड़ी में बिठाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, तो अचानक से उसी गाड़ी में फादर भी बैठ जाते हैं और मामा जो पीछे विन के पास बैठ जाती है। और फिर फादर बोलते हैं, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो विन। लेंसन और लेंसन फादर को देखता है और वो रो भी रहा होता है, बट लेंसन को अब विन की फिक्र है और वो गाड़ी स्टार्ट करता है। वहाँ पे पार्टी में आए हुए सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्या हो गया, और फिर शाइना और प्रिया उन सबको उनको हैंडल कर देती हैं। शाइना और प्रिया उन सब गेस्ट को हैंडल कर लेती हैं, और जैसे ही वो सारे गेस्ट चले जाते हैं शाइना और प्रिया भी फिर हॉस्पिटल जाती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर लेविन को नहीं ले रहे थे क्योंकि इसने जहर लिया था, तो ये एक पुलिस केस था। पर इसके जो फादर थे वो बड़े आदमी थे, और लेंसन भी काफ़ी मेहनत कर रहा था कि डॉक्टर इसने किसी की वजह से लिया है, प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए, फिर हम पुलिस को बुला लेंगे। तो डॉक्टर जो कि बहुत नखरे करता है, बट उसके फादर जो उनको धमकी दे देता है, अगर तुमने मेरे बेटे को सही नहीं किया या अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूँगा, इतनी पावर है मुझ में। जैसे फादर उनको बहुत धमकी दे देता है, और डॉक्टर जो डर जाता है क्योंकि लेंसन के फादर अमीरों में से एक होते हैं, तो उसकी काफ़ी जैसे नाम होता है, उनके काफ़ी नाम होता है। तो डॉक्टर जल्दी से विन को ऑपरेशन सेंटर ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। फिर डॉक्टर ने जल्दी से ऑपरेशन करना चाहा, और फिर विन का ऑपरेशन हो गया। अब विन जो अंदर ऑपरेशन सेंटर में है और बाहर लेंसन जो रो रहा है, तो फादर आते हैं और लेंसन के शोल्डर पर हाथ रखते हैं, बोलते हैं, लेंसन तो फिक्र मत करो विन ठीक हो जाएगा। और लेंसन फादर का हाथ अपने शोल्डर से हटाते हैं और बोलते हैं, विन ठीक होता, हम खुश ही होते अगर आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करते। तो फादर जो बहुत अपसेट होते हैं, उनको पता होता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, बट फादर की भी एक मजबूरी थी। लेंसन फादर को बोलता है कि जिस दिन मुझे आप बचपन में जब आपने मुझे उस शहर में छोड़ा, तो आपने मुझे क्या बोला था कि आप मेरे कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ जो तुम्हें इतना पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें बड़ा कर रहा हूँ, नहीं तो तुम किसी गटर की नाली में रहते और वहाँ पर बड़े होते तो तुम आज ऐसे नहीं होते। यही बातें की थी ना आपने मुझे, आपको पता है वो बातें अभी तक मेरे दिल पे रखी है, जो आपने उस टाइम मैं जब नहीं जा रहा था दूसरे शहर में, आपने मेरी उम्र को भी नहीं देखा और मुझे वो सब बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। और आपको पता है उस दिन से लेकर अब तक मैं क्यों पढ़ाई पे इतना फोकस कर रहा था, ताकि मैं पढ़ूँ और मैं अपने एक जॉब करूँ और मैं और भी अलग रहें। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं आपकी कंपनी को संभालूंगा, क्योंकि मैं तो आपका बेटा ही नहीं हूँ, आपका बेटा तो भी है ना, और आपने अपने विन के साथ ऐसा कर दिया। देखो ना अपने बेटे को क्या बन गया आपके बेटे के साथ, जाओ बचाओ अपने बेटे को, किसके लिए उसने इतना जहर पिया, मेरे लिए, जिसको आप उसे दूर कर रहे थे उसके लिए उसने जहर पिया है। आपको पता है इन दिनों उस पर क्या बीती, आपको नहीं पता, क्योंकि आपको तो अपने नाम अपनी शोहरत ज़्यादा अहमियत है। आपने कभी देखा विन को कि इन दिनों विन में क्या बीती है, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि विन पर क्या बीती है। और फिर मम्मा कहीं से आ जाती है और वो देखती है कि लेंसन फादर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो मम्मा लेंसन के और फादर के करीब आती है पूछने के लिए कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, तुम क्या बहस कर रहे हो। तो वो जब ऐसे बोलने ही वाली थी कि लेंसन बोल देता है कि आपका बेटा तो विन है ना, आपने तो मुझे ऐसे बोल के शहर से बाहर भिजवा दिया कि तुम तो गली से उठाए हैं, मतलब कचरे से उठाए हैं, कचरे से उठा के लाए हैं हम लोग, हमें हमने तुम्हें
अगर हम तुम्हें नहीं लाते तो आज तुम्हारी ये स्टेटस नहीं होता जो तुम्हारा है। तुमने आपने यही बोला था ना मुझे। तो विन की जो मामा होती है वो लेंसन की बातें सुनती है, वो शॉक में हो जाती है कि ये लेंसन कैसी बातें कर रहे हैं। और फिर मामा आती है और लेंसन के मुंह पे एक थप्पड़ मारती है। और लेंसन जो रो रहा होता है तो वो मामा ने जिसे थप्पड़ मारा होता है वो लेंसन का मुंह जो नीचे की तरफ हो जाता है, लेंसन उसी तरह ही होता है और वो रो रहा होता है। बोलते हैं हाँ मारो मुझे और मारो, ये मेरी गलती थी। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता था तो मुझे क्यों लेकर आए थे आप अपने घर पे। तो मामा विन के जैकेट पकड़ती है और बोलती है इडियट, हमारा बेटा विन नहीं, हमारे सगे बेटे तुम हो। और जब लेंसन को ये पता चलता है कि सगा बेटा मैं हूँ तो लेंसन को शौक लग जाता है। मामा बोलती है हाँ हमारे सगे बेटे तुम हो, विन को हमने गोद लिया था। और तुम्हें पता है कि जब तुम लोगों ने बचपन में वो गलती कर दी थी तो तुम्हें हमने क्यों भिजवाया बाहर, क्योंकि विन छोटा था, विन को हम नहीं भिजवा सकते थे अपने से दूर, हमने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें भिजवाया था। तुम्हें क्या लगता है जब तक तुम वहाँ थे तुम्हारे फादर यहाँ पे बहुत मज़े में थे, तुम्हें कुछ पता भी है अपने फादर के बारे में जो तुम अभी इसके बारे में बुरा सोच रहे हो। और फिर मामा एक और थप्पड़ मारती है विन को लेंसन के मुँह पर, बोलते कुछ पता होता नहीं है तुम बात करते हो, बड़े हो जाते हो तो पेरेंट्स की कोई इज्जत नहीं होती है तुम लोग के दिल में, क्यों भिजवाया हमने तुम्हें, तुम्हें कुछ पता है, अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, थोड़ा सोचो तुम लोगों ने बचपन में क्या गलती की थी, जरा तुम सोचो, बहुत बड़ी गलती की थी तुमने, बहुत बड़ी गलती की थी। और फिर मामा जब लेंसन के चेस्ट पर मार रही होती है बोलती तुम लोगों ने बहुत गलत गलती की थी, और बहुत ज़्यादा मार रही होती है वो बिल्कुल जैसे पागलों की तरह लेंसन को मार रही होती है। लेंसन आगे से कुछ नहीं बोलता है, वो रो रहा होता है, चुप होता है, शौक में होता है कि मैं सगा बेटा हूँ और मुझे लगा विन है। और फिर फादर मामा को रोकते हैं, बोलते हैं रुक जाओ मत मारो इसको, ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है, मैंने जो भी किया इसके साथ बुरा किया। और फिर फादर बोलते हैं मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, जब मैं लेंसन को एयरपोर्ट लेके जा रहा था जब वो छोटा था और मैं उसको लेके जा रहा था तो ये नहीं जा रहा था दूसरे शहर, और ये एयरपोर्ट में अगर ऐसा कोई हंगामा कर लेता तो पुलिस वाले मुझे पकड़ लेते, तो मैंने इसको थोड़ी सी बुरी बातें की ताकि इसके दिल में मेरे लिए नफ़रत पैदा हो, और मैंने इसको वो हर बात करी कि मैंने इसको वो हर बात की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और मैं जो चाहता था वही हुआ, मैंने इसके दिल में अपने लिए नफ़रत तो पैदा कर ली, और इसने अपने फ्यूचर के लिए पढ़ा लिखा ताकि मैं अच्छी जॉब लूँ, बट इसको शायद अभी नहीं पता कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मामा बोलते हैं बताऊँगा इसको। और फिर मामा फादर को छोड़ देती है, बोलती है मैं बताऊँगी इसको, मैं बताऊँगी कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। और फिर मामा आती है लेंसन को बोलती है, लेंसन उसके शोल्डर को पकड़ती है और अपने फेस टू फेस करती है, बोलती है लेंसन तुम्हें पता है तुम्हारे फादर को ब्रेन कैंसर है। तो जब लेंसन ऐसा सुनता है तो लेंसन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बिल्कुल शॉक में हो जाता है। और मामा बोलती है पता चला, तभी फादर ये चाहते थे कि तुम और लेंसन एक दूसरे से अलग हो जाओ, तभी जब तुम जिस दिन आ रहे थे तो फादर ने तुम्हें कॉल की कि तुम जब आओगे तो अपने साथ एक फेक गर्लफ्रेंड लेकर आना, क्योंकि फादर ने यहाँ का माहौल देख लिया था कि विन किस तरह खुश है तुम्हारे लिए, और हमें इस बात का डर लग गया था कि दोबारा से वही काम शुरू हो जाएगा, विन फिर से तुम्हें फिजिकली टच करेगा। हमने ये कोशिश की कि विन और तुम एक दूसरे से अलग हो जाओ, जब तुम्हें फादर ने बुरी बातें की और तुम्हें दूसरे शहर भिजवाया तो उस टाइम फादर ठीक थे, वो बोल रहे उस टाइम फादर को कैंसर नहीं था, बस वो यही सोचते थे कि जब एक दफ़ा विन बड़ा लेंसन बड़ा हो जाएगा मैं उसको सब कुछ सच बता दूंगा और वो मेरी बात को समझेगा भी। बस जैसे जैसे दिन जैसे जैसे उम्र गुजरती गई फिर हमें पता लगा कि तुम्हारे फादर को ब्रेन कैंसर है, और फिर फादर ने ये डिसाइड किया कि मैं अपने सामने ही अपने बच्चों की शादी किसी लड़कियों से होते हुए देखना चाहता हूँ। तभी फादर ने ये शर्त रखी थी, बट वो लेंसन तुम्हारे लिए श्योर नहीं थे क्योंकि उसको पता था, फादर को पता था कि तुम कर ही लोगे लड़की से शादी क्योंकि तुम एक समझदार हो, पर फादर को विन का भी पता था कि विन कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि विन तुम्हारे लिए पागल है। और तुम्हें पता है विन पागल है ये किसकी वजह से है, तुम्हारी वजह से। ना तुम उसको हॉस्पिटल में ऐसे बोलते कि मैं बड़ा होऊंगा तो तुमसे ही शादी करूंगा, और ना विन के जहन में ऐसा कुछ आता, तुम्हारी उन बातों की वजह से विन का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया और वो हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता गया। मेरे लाख मना करने के बावजूद विन तुम्हारे से पीछे हटा ही नहीं। इतना मैंने विन को बोला कि लड़कियों को देखो कितनी ब्यूटीफुल है लड़कियाँ, देखो वो लड़की देखो कितनी ब्यूटीफुल है, बट वो हर लड़की में तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जब भी मैं उसको बोलता था वो देखो लड़की देखो उसकी आंखें कितनी ब्यूटीफुल है,
तो वीन तुम्हें पता है क्या बोलता था? कि उसकी आँखें तो बिल्कुल लेंस जैन की तरह है। और मैं उस वीन की ऐसी बातों को सुनकर डिस्टर्ब हो जाती थी, पागल हो रही थी मैं। बट वीन हमारी जान है। वीन और तुम्हें मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो हमारा अपना बेटा नहीं है। तुम दोनों को मैंने एक जैसा प्यार दिया, सब कुछ दिया। हमने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें भिजवाया। तुम्हें क्या लगता है, जब हमने तुम्हें भिजवाया तो हम यहाँ बहुत खुश थे? हर पल तुम्हारे फादर तुम्हें याद करते थे, रोते थे। तुम्हें पता है कितनी रातें वो रोते थे तुम्हारे लिए? तुम्हें नहीं है पता लेंजन, तुम लोग बस अपने लिए ही हो। मदर और फादर की फीलिंग्स तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। बड़े हो जाते हो तो तुम लोग बस अपने लिए ही होते हो। फिर मदर और फादर तो जैसे तुम लोग के दुश्मन ही है ना? और वो लेंजन जब ऐसी बातें सुनता है तो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। और वो फादर के पास आता है, फादर के आगे घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और रोता है। बोलता है, फादर मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो फादर, मुझे नहीं था पता कि आप इतने बीमार हो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने ऐसा क्यों किया? आपने राज इतने साल तक क्यों अपने दिल में दबाए रखा? फादर बोलते हैं, लेंजन मैं तुम लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, ना कि मैं हर पल तुम लोगों को अपसेट देखूँ कि हाँ मेरे फादर बीमार हैं। मैं तुम लोगों को अपनी वजह से कभी अपसेट नहीं देख सकता था, इसलिए ये राज मैंने किसी को नहीं बताया। और तुम्हारी मम्मा को भी अभी अभी पता चला है, तभी तुम्हारी मम्मा ने तुम दोनों की शादी करवाई और मुझे ये बोला कि लेंजवीन स्टडी से पहले ही शादी करेगा और शादी के बाद स्टडी अपनी पूरी करेगा। तुम्हारी मम्मा ने ये मेरे लिए सब कुछ किया, ये बात अभी फादर बोलते हैं। और लेंजवीन जो अपनी मम्मा और फादर की बात सुनता है तो फिर लेंजवीन बोलता है, फादर मैं आपकी बात सुनूंगा, लड़की से शादी करूंगा, बट वीन। फादर हंसते हैं, बोलते हैं, नहीं लेंजन, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं मर रहा हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि मौत के बाद मुझे इस गलती की सज़ा मिले कि मैंने अपने बच्चों पर कितना जुल्म किया। वीन तुमसे प्यार करता है, वीन तुम्हारा ही है, रहो जितना रहना है तुम लोग एक साथ, रहो एक साथ। अब मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूँगा, मेरे आखिरी दिन हैं, मेरे कुछ दिन रह गए हैं और मैं अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता हूँ। मेरे बहुत थोड़े दिन रह गए लेंजन, बहुत ज़्यादा कम। और वो लेंजन रोता है और फिर डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर जो वीन की इलाज के लिए होते हैं। डॉक्टर आते हैं तो लेंजन डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है, डॉक्टर वीन कैसा है? डॉक्टर बोलता है, वीन ठीक है, बट वीन को एक हफ्ते तक थोड़ी कमज़ोरी होगी और इसको कुछ भी खाया पीना नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करेगा। लेंजन वीन को देखता है जो कि उस टाइम बेहोश होता है और फिर लेंजन वीन के पास आता है। वीन जो बहुत बुरी हालत में होता है, उसके हॉर्न बिल्कुल सूख गए होते हैं और बोलता है, और लेंजन उस हॉर्न उस लिप पर फिंगर रखता है और बोलता है, ये हॉर्न जो हर वक्त हंसते थे, तब पिंक कलर पिंक ये शाइन मारते थे, हंसते थे और मुझे तंग करते थे, ये होंठों को क्या हो गया, इस लिप को क्या हो गया? और फिर लेंजन वीन के बालों को पीछे करता है और उसके फेस पर हाथ फिराता है और बोलता है, वीन पहले की तरह हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने से एक सेकंड भी दूर नहीं करूँगा। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है और अगर तुम्हें मुझसे अब कोई दूर करेगा तो मैं तुम्हें उस पर्सन से दूर ले जाऊँगा और हम कहीं दूर चले जाएँगे। और लेंजन ऐसी बातें कर रहा होता है और इनको देख रहा होता है। और फिर हमें दो दिन बाद के सीन दिखाते हैं, वीन जो थोड़ी थोड़ी आंखें खोलता है, बट वीन को खाना नहीं मिलता है, खाना पीना इतना नहीं देते हैं क्योंकि उसका जो पेट है वो वॉश किया होता है मैदे क्या बोलते हैं स्टमच वॉश किया होता है, तो इस वजह से वीन बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करता है क्योंकि उसने जहर खाया होता है, तो फिर तो स्टमच वॉश करना ही पड़ता है। तो वीन लेंजन को देखता है, वो बातें भी नहीं कर सकता है। और जब वीन लेंजन को देखता है, लेंजन उसको बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं यहीं पर हूँ और मैं शाइना से शादी नहीं कर रहा हूँ और न तुम प्रिया से शादी कर रहे हो। और वीन जो कुछ बोल नहीं पाता है बट वो मुस्कुराता है, अब मुस्कुराता है, बहुत खुश होता है क्योंकि इसकी आँखों में वो खुशी नज़र आती है। और फिर लेंजन वीन के हाथों पर किस करता है और वीन जो स्माइल करते ही करते सो जाता है क्योंकि उसको बहुत सुकून मिलता है। और फिर हमें एक हफ्ते के बाद ये सीन दिखाते हैं, जो वीन बिल्कुल ठीक हो गया था, वो अभी बैठता भी था बट वो था वीकनेस फील करता था क्योंकि वो चलता नहीं था। और लेंजन जाता था, उसको अपने हाथों से खिलाता था, फादर आते थे। अब वीन को ये नहीं है पता कि फादर को कैंसर है क्योंकि फादर ने मना किया था कि जब तक वीन बिल्कुल ठीक ना हो जाए वीन को ऐसा कुछ भी मत बताना। तो लेंजन जब फादर आते हैं तो लेंजन जल्दी से आते हैं और फादर को बोलते हैं, फादर आप आ गए, और बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं फादर के।
और फादर देखता है और फिर लेंजन जाता है, फादर को हक करता है। फादर जो खुश होता है क्योंकि लेंजन कभी भी फादर को रिस्पेक्ट नहीं देता था, वो हमेशा अपसेट ही रहता था। तो अब लेंजन सही हो गया है तो अब वो फादर को बहुत प्यार करता है और फादर भी बहुत खुश होता है। तो फिर लेविन बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर लोग घर जाते हैं। अब फादर बोलते हैं कि क्या प्रोग्राम है, शादी कोर्ट मैरिज में हो या बड़ी पार्टी करके शादी दूँ या कोर्ट मैरिज में शादी कराऊँ। वीन बोलता है शादी, वीन फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। तो फादर बोलते हैं हाँ शादी, लेंजन और तुम्हारी शादी जो प्रिया उसाना के साथ हो रही थी वो आधे में रह गई थी ना, तो अब शादी नहीं करनी है। तो वीन फिर से टेंशन में हो जाता है, बोलते फादर अब फिर हमारी शादी करा रहे हो प्रिया उसाना के साथ। तो फादर हाँ करके इशारा करता है, बोलते हाँ मैं फिर तुम दोनों की शादी करा रहा हूँ। तो वीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, अब वो सीरियस हो जाता है। अब वो जैसे सीरियस हो जाता है वो उठ जाता है और रूम की तरफ जा रहा है। तो फादर उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हें शादी नहीं करनी है। तो वीन बोलता है नहीं मुझे नहीं करनी है शादी। तो फादर हैरान हो जाते हैं, बोलते अच्छा। अब फादर वीन को लेंजन को बोलते हैं लेंजन देखो तुम्हारे साथ उनकी शादी नहीं करनी है। तो वीन बोलता है हाँ मुझे नहीं करनी है। तो फिर वीन बोलते हैं क्या आपने क्या बोला फादर। तो फादर बोलते लेंजन देखा तुमने सुना वीन को तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है। तो वीन बोलते हैं मेरी शादी लेंजन के साथ। तो फादर हाँ करके इशारा करते हैं और फिर बोलते हैं हाँ तुम्हें तो नहीं करनी है ना। तो सही है, फिर मम्मा को बोलते हैं तो चलो फिर ऐसा करते हैं वो प्रोग्राम कैंसिल कर दो। तो वीन बोलते हैं नहीं नहीं फादर मुझे करनी है। तो फादर बोलते हैं अभी तो तुमने कहा कि मुझे नहीं करनी है। तो फादर वीन बोलते हैं नहीं नहीं मैं समझो कि आप मेरी शादी प्रिया के साथ करा रहे हो। तो फादर बोलते हैं अच्छा तुम्हें ऐसा लगा, बट प्रिया और उषा ने तो शादी कर ली। तो वीन हैरान हो जाते हैं इन लोगों ने शादी कर ली। तो थोड़ी देर होती है, अब प्रिया उषा ना आती है, एक दूसरे को हाथ दिया जाता है। तो जैसे ही आती है वो बहुत खुशी से आती है और बोलती है ये हमें किसी ने याद किया साइना और प्रिया बोलती है। तो फादर हंसते हैं, बोलते हैं हाँ तुम्हें हमने याद किया। और वीन बोलता है शैतान को याद किया, शैतान हाजिर। और वीन ऐसा बोल के हंस रहा है। और लेंजन जो उसकी बात सुन लेता है, लेंजन बोलता है वीन ये तुम क्या बोल रहे हो। तो वीन बोलता है सच तो बोल रहा हूँ, देखो हमने याद किया ये लोग अचानक से आ गए। तो प्रिया बोलती अच्छा तो अब शैतान हो गए हाँ। और फिर वो भागती जाती है और वीन के टमी पर एक मुक्का मारती है, बट हल्का सा मारती है क्योंकि उनको पता होता है कि वीन की तबीयत ख़राब है, अभी अभी हॉस्पिटल से आया है। तो वो सिर्फ मस्ती करती है वीन के साथ। और फिर वीन जो आउच करता है बोलता है तुमने मुझे इतना बुरा मारा। और फिर प्रिया बोलती है ओह हो लड़के होकर तुम लड़की के एक पंच से जख्मी हो गए। तो वीन बोलता है तुमने मुझे इतना बुरा क्यों मारा, तुम बहुत बुरी हो, आखिर सच में तुम शैतान ही हो, डेविल हो तुम। तो फिर प्रिया उसको फिर से मारती है और बोलती है तुम डेविल हो मैं नहीं तुम हो डेविल। और इस तरह मस्ती कर देते हैं। साइन आती है लेंजन के साथ, लेंजन के साथ हैंडशेक करती है, स्माइल करते हैं। और फिर लेंजन बोलता है तो कैसे रही तुम्हारी शादी। साइना बोलती है अच्छी थी, थोड़ी टेंशन बहुत थी क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है गर्ल्स, मतलब लेस्बियन मैरिज इधर अलाउ नहीं है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो लेंजन बोलता है हाँ यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो फिर ये लोग स्माइल करते हैं और ये लोग डिनर करते हैं। अब वीन जो लेंजन जो वीन के डिश के आगे डिश में खाना डालता है और बोलता है ये खाओ तुम्हें ये पसंद है ये भी खाओ। और फिर जब लेंजन का पेट भर जाता है, सॉरी वीन का पेट भर जाता है, तो लेंजन बोलता है ये आखिरी बाइट है इसे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। और ये लोग इस तरह खिला रहे थे और सब लोग वीन और लेंजन के देख रहे थे। और जैसे ही आखिरी बाइट लेंजन उसे खिलाता है तो लेंजन जब फेस इस तरफ करता है तो सब उनको देख रहे हैं। तो लेंजन को शायद फील होता है और बोलता है आप लोग सब हमें क्यों देख रहे हो। तो सब बोलते हैं क्योंकि तुम हरकतें ही ऐसे कर रहे हो, अब तुमने पूरे खाने के दौरान तुमने वीन को ही देखा और वीन जो तुम्हारे साथ ही लगा था, हम लोग यहाँ पे क्या फालतू में बैठे हैं, तुमने हमारे बारे में तो पूछा ही नहीं। और फिर मम्मा बोलती है हाँ मुझसे भी नहीं पूछा लेंजन। और फादर बोलते हैं मुझसे तो पूछा ही नहीं। तो फिर लेंजन बोलता है मैं अभी आपको डांट के देता हूँ। और फिर लेंजन होता है और अपने फादर के पास बैठता है और बोलता है आपको तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। और वो थोड़ा सीरियस हो जाता है तो फादर की आँखें भर आती है और लेंजन की भी आँखें भर आती हैं, बट वो लोग नहीं रोते हैं क्योंकि अभी तक वीन को कुछ नहीं पता। वीन उन दोनों कैसे प्यार देखे थोड़ा सा टेंशन हो जाता है और थोड़ा सा सीरियस हो जाता है क्या है वैसे क्या हो गया, जो वीन मतलब लेंजन और फादर के बीच सब कुछ ठीक हो गया। और वीन इस तरह सोच जाता है, लेंजन जब अपने फादर को खाना खिलाता है और फादर की आंखें भर आती है और वीन देख लेता है कि फादर रो रहा है। अब वीन को शक हो जाता है और जब वीन लेंजन की तरफ देखता है तो लेंजन की भी आंखें रेड हो गई होती हैं। और जब वीन मदर की तरफ देखता है तो मदर भी रो रही होती है, बट मदर से कहाँ सब्र होता है, उसकी तो आंसू वो नीचे नीचे तक जा रहे होते हैं। और लेंजन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, आखिर क्या हो गया इनको। और शाइना और वीन को भी पता नहीं होता है तो वो लोग वीन को ही देख रहे होते हैं
और एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं जो सब अपने रूम में चले जाते हैं। लेंस वीन अपने रूम में होता है और लेंसन फिर बाद में आता है वीन के रूम में। तो वीन लेंसन जैसे ही आता है वीन बोलता है वीन लेंसन को हक कर लेता है, और जो कि रोज़ की तरह वो भागते भागते आता था और वीन के ऊपर चढ़ जाता था। तो इस बार वो भाग तो सकता नहीं था, बट वो जल्दी आकर वीन को हक कर लेता था। और जैसे ही हक करता था उसके ऊपर चढ़ ही जाता था। और लेंसन बोलता है वीन तुम्हारी ये आदत कभी नहीं जाएगी। तो वीन बोलता है कभी नहीं जाएगी और मैं कभी जाने भी नहीं दूंगा। और फिर वीन लेंसन को किस करता है और फिर लेंसन बोलता है वीन प्लीज़ मुझे दरवाज़ा तो बंद करने दो। तो और फिर लेंसन वीन लेंसन को छोड़ता है और उसको हक कर लेता है। और लेंसन जो उसको उठा लेता है पीछे से हाथ डाल के उसे उठाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है फिर लेंसन आता है और वीन जो खड़ा हो जाता है और लेंसन को पुश कर देता है दीवार की तरफ। अब लेंसन आ रहा होता है तो वीन अचानक से खड़ा हो जाता है और लेंसन को दीवार की तरफ पुश करता है और उसको किस कर रहा होता है। तो वीन सॉरी लेंसन अपने हाथों से वीन को हटाता है, बोलता है वीन ये तुम क्या कर रहे हो। तो वीन बोलता है तुमसे प्यार। तो फिर लेंसन बोलता है हाँ मुझे दिख रहा है वो प्यार ही है, पर तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते हो। तो वीन बोलता है मुझे कहाँ सब्र होता है। तो फिर वीन जल्दी से लेंसन की शर्ट के बटन खोल रहा होता है और पागलों की तरह। और लेंसन बोलता है वीन ये तुम क्या कर रहे हो। वीन बोलता है मैंने तुम्हें पता है कितना इंतज़ार किया, कितना तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए। लेंसन सीरियस हो जाता है, बोलता है बहुत और मैं भी बहुत इंतज़ार में था। और फिर ये लोग और फिर वीन थोड़ा लेंसन थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो वीन उसको लिप पर किस करता है और उसकी बॉडी पर हाथ फिराता है। और फिर लेंसन सॉरी वीन लेंसन की शर्ट हटा देता है और वीन लेंसन की बेल्ट को हटाता है। और लेंसन बोलता है वीन थोड़ा कंट्रोल रखो। और फिर वीन बोलता है कंट्रोल ही तो नहीं होता है। और फिर वीन लेंसन की बॉडी को सक करता है किस करता है, जैसे इसको बहुत दिनों बाद ये मिला हो। और सही भी होता है इसको बहुत दिनों बाद ये मिला होता है। और अब लेंसन वीन का ही है तो वीन बहुत खुश होता है और वो आज ही लेंसन को खाना चाहता है। और लेंसन वीन इसी तरह जल्दी जल्दी इसको उसके बेल्ट खोलता है और उसकी पैंट को हटाता है। और वीन लेंसन को हक कर लेता है और उसको उसकी बॉडी को अपनी बॉडी के बहुत करीब करता है। और वीन लेंसन जो वीन को देखता है वो तो ही क्या कर रहा है। और फिर वीन अपनी शर्ट को हटाता है और अपनी शर्ट हटा देता है और अपनी चेस और वीन की चेस को एक साथ करता है। बिल्कुल वीन लेंसन को हक कर लेता है, अपनी चेस और लेंसन की चेस को बिल्कुल हक कर देता है, अपने करीब कर देता है। और वीन देख सकूँ उनकी सांस लेता है। और फिर वीन को वीन ने लेंसन को हक किया होता है बहुत टाइटली तो वीन लेंसन के शोल्डर पर किस करना शुरू कर देता है। और लेंसन जो वीन का फेस पकड़ता है और बोलता है अपने फेस के आगे पकड़ता है और बोलता है वीन तुम बिल्कुल पागल हो। तो वीन बोलता है तुम्हारे लिए। और फिर लेंसन वीन को किस करना शुरू कर देता है। अब लेंसन वीन को किस भी कर रहा है, इसको कुछ भी कर रहा होता है बेड पर। और फिर लेंसन अपने हाथों से वीन की बेल्ट हटाता है और उसकी ट्राउज़र हटा देता है और वीन को बगैर कपड़े के कर देता है जैसे कि वीन ने उसके साथ किया। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा किस करते हैं। बट लेंसन वीन के साथ इंटीमेट नहीं होता है क्योंकि वीन अभी अभी हॉस्पिटल से आया होता है। वो बस वीन को किस करता है और वीन को सक करता है वीन की बॉडी पर, वीन की चेस पर, विंक की चेस को लिक करता है पूरी चेस पर और विंक की नेवल पर आता है और दर्द किस करता है। गोल गोल अपनी जबान फिराता है जिससे विन बहुत ज़्यादा हॉट फील करता है। और फिर लेंसन विंक को अच्छा फील कराने के लिए विंक के साथ लव मेक करता है, बहुत प्यार से करता है जो कि विंक को बहुत अच्छा लगता है। विंक को विंक बहुत इंजॉय करता है लव मेक करते वक्त विंक बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। और लेंसन जो यही चाहता है कि विंक इंजॉय करे। और फिर वीन जैसे ही सेटिस्फाई होने वाला होता है तो वीन जल्दी से लेंसन से दूर हट जाता है और अपने आप को फिर टिश्यू पेपर से साफ करता है। और फिर लेंसन वीन को हक कर लेता है और वीन बोलता है लेंसन क्या तुम इंटीमेट नहीं होगे मेरे साथ। तो लेंसन बोलता है नहीं, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तब हम होंगे और हमारी शादी के बाद ही अब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस एक्साइटमेंट को उस टाइम के लिए छोड़ना चाहता हूँ। तो वीन स्माइल करता है और बोलता है फिर सीरियस हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं हमारी शादी पता नहीं कब होगी, इतने दिनों तुम मेरे साथ कुछ करोगे नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। तो लेंसन बोलता है लेंसन से फोरियत पे थप्पड़ मारता है, बोलता है इडियट हम सब कुछ करेंगे बट हम इंटीमेट नहीं होंगे। तो लेंसन वीन बोलता है सब कुछ करेंगे बट इंटीमेट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। तो लेंसन बोलता है अभी जो किया वही होंगे, अभी जो किया वही करेंगे। तो वीन
स्माइल करता है और बोलता है सच में, तो लेंजर बोलता है हाँ, लेंजर बोलता है हाँ सच में। और फिर इधर इधर ने एक दूसरे को हक किया होता है तो वीन जो लेंजर की आंखों में देख रहा था, फिर उसको याद आता है कि डिनर के दौरान ये लोग रो रहे थे। तो फिर वीन अचानक से उठ जाता है और बैठ जाता है, बताए मतलब लेंजर के फेस टू फेस बैठ जाता है। लेंजर भी थोड़ा घबरा जाता है कि वीन को क्या हुआ। तो वीन बोलता है लेंजर ये डिनर के दौरान तुम लोगों को क्या हो गया था, मम्मा भी रो रही थी, पापा भी रो रहे थे, तुम भी रो रहे थे, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो लेंजर चुप होता है, बोलता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वीन बोलता है तुम क्यों रो रहे थे, वैसे तो तुमने कभी पापा के साथ ऐसी हरकत नहीं की, कभी पापा को अपने हाथों से कुछ नहीं खिलाया है, तुम्हारे इतने दिन हो गए हैं तुम यहाँ आए हो, तुमने पापा के साथ सीधे मुँह बात भी नहीं की, फिर आज ऐसा क्या हो गया? तो लेंजर बोलता है कुछ नहीं हुआ वीन, कुछ भी नहीं हुआ, बस एक गलती हो गई थी मुझसे जो कि अभी तक मैं पछता रहा हूँ। और फिर लेंजर फिर से अपनी आँखें मतलब लेंजर की फिर आँखें भर आती है तो वीन रोने लग जाता है। वीन बोलता है बताओ ना वीन, लेंजर प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बता दो। अब वीन को थोड़ा सा डर लग जाता है तो वीन बहुत मेहनत करता है लेंजर की, और फिर लेंजर वीन को बता देता है कि इस तरफ पापा को ब्लड कैंसर ब्रेन कैंसर है। तो वीन को जो शौक लग जाता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो लेंजर बोलता है तुम रो रहे हो वीन, तुम्हारे लिए रोना ठीक नहीं है, तुम अभी तो हॉस्पिटल से आए हो। वीन बोलता है नहीं लेंजर मुझे मत रोको, हमारी वजह से फादर को कितनी तकलीफ़ हुई है, काश हम बचपन में ऐसी कोई गलती करते ही नहीं तो फादर इतने टेंशन में नहीं होते, तो आज फादर की ये हालत नहीं होती। और लेंजर हाँ करता है, बोलता है हाँ वीन बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे और जिसका अभी तक हम सज़ा ही भुगत रहे थे, बट अब तो मुझे मिल गए तो हमारी सज़ा ख़त्म हो गई वीन। और वीन स्माइल करता है, बोलता है बट हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमारे फादर हमसे चले गए हैं लेंजर, क्या फादर ठीक नहीं हो सकते हैं? लेंजर बोलते हैं नहीं, मैंने उनको काफ़ी हॉस्पिटल लेके गया हूँ, उनके फाइल्स उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो मैंने काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए हैं, बट फादर की तबीयत ठीक नहीं हो सकती है, फादर के कुछ ही महीने हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं फादर को खुश रखूँ, हर पल खुश रखूँ। और फादर अब हमारी शादी से राज़ी हो गए हैं। और फिर वीन और लेंजर इस तरह अपसेट होते हैं, अब इसमें हमारा फ्लैश बैक ख़त्म हो जाता है। तो जो कब्र में गया होता है लेंजर वो उनके फादर की होती है, जो कि रोज़ाना लेंजर जब भी ऑफिस जाता है सबसे पहले वो अपने फादर की कब्र में जाता है और उसको फ्लावर देता है और उसको बहुत मिस करता है। और इसी तरह फिर हमारा फ्लैश बैक ख़त्म होता है। फ्लैश बैक शुरू कब हुआ था यार मैं तो भूल गई यार, ये क्या हो रहा है। फिर हमारा फ्लैश बैक ख़त्म हो जाता है तो फिर लेंजर और वीन ने जो एक दूसरे को हक किया था, इन लोग एक दूसरे से सेटिस्फाई हो गए थे। तो लेंजर वीन बोलता है वीन बोलता है लेंजर मुझे फादर बहुत याद आ रहे हैं। लेंजर बोलता है मुझे भी। और फिर वीन बोलता है हम दोनों तो फादर के साथ इतने अटैच नहीं थे, पर मम्मा कितनी मिस कर रही होगी ना उसको, फादर को। तो लेंजर बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो फिर लेंजर वीन को हक कर लेता है और बोलता है बहुत मिस करते हैं इंसान उस पर्सन को, बहुत मिस करते हैं जिससे इंसान प्यार करता हो। और ये रियलाइज़ मुझे बहुत पहले ही हो गया था, मैं बहुत हर्ट हो गया था जब तुमने शादी के दिन जहर खा लिया था, मैं बहुत डर गया था। तुम्हें पता है तुमने जहर क्यों खाया था वीन? वीन बोलता है वीन पहले चुप होता है, फिर लेंजर दोबारा पूछता है वीन बताओ ना तुमने आखिर जहर खाया क्यों, तुमने मेरे लिए क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी चाहिए? वीन बोलता है लेंजर क्योंकि मैं अपने जीते जी तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था, तुम अगर मेरे सामने शाइना को प्यार करते, शाइना के साथ घूमते फिरते, शाइना की केयर करते, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं हर पल मरता अगर मैंने ऐसे कुछ नहीं किया होता और तुम्हारी शाइना के साथ शादी होती और तुम्हें डेली अपने ही घर में किसी और लड़की के साथ प्यार करते हुए देखना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, तो मैंने तभी जहर खाना ही सही समझा, मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, पर मैं तुम्हें किसी और का नहीं होते हुए देख सकता। और फिर वीन लेंजर को हक कर लेता है, बोलता है वीन बोलता है लेंजर मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, तुम्हें एक एक पल मैंने तकलीफ़ दी है, बचपन में मैंने ही तुम्हें वो काम करने पे मजबूर किया था, मुझे याद है, और आज तक तुम्हें उसकी सज़ा मिल रही है, मुझे माफ़ कर देना लेंजर। लेंजर बोलता है वीन वो गलती तुम्हारी अकेले की नहीं थी, मैं बड़ा था, मैं चाहता था तुम्हें मना कर सकता था, बट हम दोनों नादान थे, हमें कुछ भी समझ नहीं थी, तो मैं अकेले तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया,
बहुत पहले और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम मिल गए, पर मैं अपसेट भी हूँ कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ मिली मेरी वजह से। मुझे वो एक एक दिन याद है जो तुम तकलीफ़ में थे, बट मैं मजबूर था क्योंकि मैं अपने फादर की कुछ बातों की वजह से कुछ गलत फहमियाँ थी मेरे दिल में, और मैंने अपने दिल में जो गलत फहमियाँ रखी थी अपने फादर के लिए, मैं उस बात को याद करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होता हूँ कि मैंने वो इम्पोर्टेंट वक्त जो फादर का था वो मैंने फादर को नहीं दिया। बट अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वीन मुझे मिल गया। मुझे और क्या चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारी खुशी और मम्मा की खुशी। तो वीन लेंजन को देखता है, खुश हो जाता है और बोलता है, आई लव यू लेंजन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना करता हूँ, पर ये सुन लो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तभी लेंजन स्माइल करता है, बोलता है, हाँ मुझे पता है मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे पीछे पागल है। आखिर वीन स्माइल करता है और फिर लेंजन इनको हक कर लेता है, ये दोनों एक दूसरे का हक कर लेते हैं और ये लोग सो जाते हैं। और फिर सुबह होती है, ये दोनों एक साथ तैयार होते हैं और ऑफिस के लिए जाते हैं, मस्ती करते करते जाते हैं। और जो वीन है वो लेंजन को कोई मौका नहीं छोड़ता है लेंजन को हक करने का या उसको किस करने का। जब लेंजन तैयार होता है तो वीन किस करता है, जब लेंजन गाड़ी में बैठता है और जब भी अकेले होता है तो वीन लेंजन को ज़रूर किस करता है, और बहुत ब्रूटल तरीके से किस करता है, और जब मौका मिले तो वो बाइट भी कर देता है। और जिस बाइट के बाद फिर वीन को बहुत डांट पड़ती है लेंजन से। और फिर हीरो इस तरह ऑफिस में जा रहे होते हैं कार में, अब लेंजन बैठता है तो वीन बैठने से पहले लेंजन कार में बैठ जाता है, वीन भी अपनी तरफ से बैठ जाता है, और जैसे ही कार स्टार्ट होती है तो वीन लेंजन को किस करता है। और लेंजन बोलता है, वीन ये तुम क्या कर रहे हो, तो वीन बोलता है, तुमसे प्यार। तो लेंजन बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट ये तुम्हें कितनी दफ़ा मैंने कहा जब मैं ड्राइव करूँ मुझे इस तरह की किस्मत क्या करूँ, अगर एक्सीडेंट हो गया तो? तो वीन बोलता है, नहीं एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो लेंजन बोलता है, देखा ना डरे ना, तो तभी बोल रहा हूँ। तो वीन बोलता है, ओहो ठीक है मैं अभी नहीं करूँगा। तो फिर लेंजन स्माइल करता है और फिर लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से पहुँच जाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और ऑफिस को देख रहे होते हैं और बोलते हैं, वीन लेंजन बोलता है, वीन ये हमारे फादर की मेहनत है, हमें इसको और भी आगे बढ़ाना है। तो वीन बोलता है, हाँ मैं यही कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेंजन बोलता है, नहीं होगी, अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो स्टडी के साथ साथ ऑफिस भी जा रहे हो, तुम खाली स्टडी करो ना, तुम अपने रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हो। तो वीन बोलता है, मैं वहाँ बोर हो जाता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ऑफिस से बाहर, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है। लेंजन बोलता है, हाँ ना जैसे हम बहुत दूर रहते हैं, है ना, तुम्हारा घर कोई और है मेरा घर कोई और है, रात को एक साथ ही तो होते हैं हम लोग। तो वीन बोलता है, हाँ बट वो रात को होते हैं ना, पूरा दिन तो नहीं होते हैं, और पूरा दिन जो मैं तुम्हें मिस करता हूँ उसका क्या। लेंजन बोलता है, वीन तुम बिल्कुल पागल हो। तो लेंजन वीन बोलता है, तुम्हारे लिए। तो लेंजन बोलता है, तुम तो बस यही बोलते रहो। और फिर वीन लेंजन का हाथ पकड़ता है और उसके उंगलियों में उंगलियाँ डाल देता है। इतने सालों बाद जब वो छोटे थे तो उन लोगों ने ऐसा हाथ पकड़ा था, तो जब आज वीन दोबारा से लेंजन का हाथ पकड़ता है तो लेंजन को वो सब कुछ याद आ जाता है, उसकी जो मेमोरी है वो वापस से याद आ जाती है उसको। और उसको जब याद आता है कि किस तरह हम बचपन में एक साथ होते थे, और वो सब कुछ लेंजन को याद आता है और वीन को याद आता है, और वीन ने लेंजन का हाथ टाइट करके पकड़ लिया था, और ये दोनों एक दूसरे को देखते स्माइल करते हैं और ये लोग ऑफिस के लिए जाते हैं। और ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं और एक दूसरे को उसी तरह पुश करते हैं जैसे कि बचपन में करते थे, लेंजन वीन को पुश कर रहा था और वीन लेंजन को, और इन लोगों का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ ही था, बट ये लोग बस मस्ती करते करते जा रहे थे। और इसी में हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसे लगी आप लोग की स्टोरी, आज ही ख़त्म कर दी, थोड़ी लंबी है, मैंने कहा कि आप लोग ज़्यादा ही वेट कर रहे हो, तो चलो आज इसको फिनिश कर देती हूँ। लास्ट वीडियो में कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी गाइस, प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि इसने कोई नाटक किया है। मैं तीसरी बार थी वीडियो मैंने बनाई, तीसरी बार मैंने रिकॉर्डिंग की थी और उसमें मैं कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाई, पता नहीं वो डायलॉग से कुछ ऐसे थे कि मुझे अपनी लाइफ याद आ गई, तो तभी कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई। सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, आई एम सो सॉरी। लव यू गाइज, लव यू टू।